तो बेटा अब ये बोर्ड पे मैंने जो लिखा है मॉलिक्यूलर, ये देखिए रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, मैं इसको फिर से दोबारा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसका आप जब बायोटेक सॉल्व करेंगे, बायोटेक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका बार बार जिक्र आता है। तो जिसका बार बार जिक्र आता है उसे बार इतना ज्यादा हम लोग रिपीट कर दें कि बार बार वो जिक्र आने पे हमको ऐसे बार मतलब क्वेश्चन बार बार आने पे ऐसे लगे यार चलो ठीक है यार देख लिया, हाँ समझते हैं कोई बात नहीं है, इस तरह से फीलिंग आनी चाहिए, नहीं तो बहुत प्रेशर होता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम देखें तो इसे सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो इसे हम लोग ऐसे ही नाम देते हैं, सीजर माने कैंची होती है। जैसे अगर आप दर्जी के यहाँ जाते हैं कपड़ा बनवाने के लिए कपड़ा लेके जाते हैं पैंट शर्ट बनवाने के लिए, तो उस समय आप उसकी कैंची को देखते हैं नाप नाप के काटना शुरू करता है, ठीक वैसे ही काटता है ताकि कपड़े की अच्छी सेफ साइज बन जाए, कोई नई चीज अच्छी चीज बन जाए। ऐसा नहीं जहां पर वही फटाफट काट के गिरा दिया तो फिर मतलब क्या रह गया उसके बनाने लिखाने का, भाई तो मतलब ही नहीं रह गया। तो इसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। अगर आप इसके बारे में देखें तो इसके पहले कमेंट में जितने भी इसकी जानकारियां हैं मैं आपको सबसे दे देता हूं। ऑब्टेंड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब ये आपको हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, इनके जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली ये जो पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। तो अब आपके मन में आएगा भाई ये बताइए सर ये बात तो ठीक है, बैक्टीरिया में कर क्या रहे, बैक्टीरिया में नाच गा रहे हैं कूद रहे हैं। तो सोचिए जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, आप ऐसे समझे ये बैक्टीरियल सेल है, ये देखिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो आखिर इस सेल में इन एंजाइम्स का काम क्या है, अगर हम ये सीख जाए शायद ज्यादा अच्छा हो जाए। तो बैक्टीरियल अगर सेल देखे, इस सेल का अपना एक डीएनए है, इसी डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती होगी, इसी के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूक्लिएज एंजाइम पड़े हुए हैं। तो ये बैक्टीरिया में करते क्या है कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, अगर बैक्टीरिया को कोई अटैक करता है, कोई पैथोजन अटैक करता है तो उसके डीएनए के सेगमेंट को ये कट कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया को कोई नुकसान ना हो। बैक्टीरिया अपने आप को बचाने का काम करता है, मतलब उसके यहाँ डिफेंस का काम करते हैं। अभी तक की जानकारी में अच्छा ये कौन सा बॉन्ड कट करते हैं ये तो हमने लिखा नहीं, मैंने अभी आपको सिखाया था दे कट कौन सा बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये देखिए ये डीएनए के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, ये भी आपको सीखना है। ब्रेकआउट कौन सा बॉन्ड, डीएनए के किस बॉन्ड को, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करते हैं, मतलब इनके पास अच्छी खासी एनर्जी होती है तभी तो ऐसा कर पाते होंगे, आपको ये भी याद रखना है। अभी तक की जानकारी में इस तरह के 900 एंजाइम्स हैं, कितने एंजाइम्स बेटा 900 एंजाइम्स हैं, ये 900 एंजाइम्स जो है ये 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से पाए जाए, मतलब बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से ये सारे बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से ये सारे एंजाइम मिले हुए हैं, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से इनको पाया गया है। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में इतनी जानकारी, बेसिक जानकारी जो आपको आनी चाहिए। अब इसकी खास बात है दे कट डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, ये डीएनए को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करते हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग मतलब ये रीड करके कट करते हैं, ऐसा नहीं जहां पाए वहीं पर कट कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। देखा डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट और उन पॉइंट्स को, उन तरह के सीक्वेंसेस को हमने आपको कई बार पढ़ाया है, इस तरह के सीक्वेंसेस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उन्हें कहा जाता है, जैसे आप एक कॉन्सेप्ट देखें, यह है 5', यह है 3', बोलिए हाँ, अगर आप देखें तो ये है फार्मूला GAA TC का, लेकिन अगर आप इसकी पोलरिटी उल्टी कर दीजिए तो C के सामने क्या होगा, G, G के सामने होगा A, यहाँ देखिए A होगा, यहाँ TT होगा, यहाँ C होगा, पोलरिटी देखिए इसकी बदल जाएगा 3'। तो चाहे आप इन्हें फॉरवर्ड पढ़ें और चाहे आप इन्हें बैकवर्ड पढ़ें, इनकी जो रीडिंग है सेम होगी, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उन्हें कहते हैं कि चाहे आप उन्हें फॉरवर्ड पढ़ें, चाहे आप उन्हें फॉरवर्ड पढ़ें और चाहे आप इसे बैकवर्ड पढ़ें, जो बैकवर्ड पढ़ें उनकी जो प्रोनंसिएशन है या रीडिंग है, जो उनकी रीडिंग है वो सेम होगी, लेकिन ध्यान रखना है पोलैरिटी का पूरा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि पोलैरिटी भी सेम हो और आप कहें कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये नहीं करना है। पोलैरिटी अगर गड़बड़ हो गई तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस नहीं हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का और दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए पोलैरिटी है 5',
ये देखिए ट्रिपल सी ट्रिपल जी, पोलैरिटी क्या हो गई थ्री प्राइम। ये देखिए इसका उल्टा अगर आपको लिखना हो तो ये फाइव प्राइम हो गया, यहाँ देखिए ट्रिपल सी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ट्रिपल जी हो गया, पोलैरिटी उल्टी हो गई। तो ये कौन से सीक्वेंस हैं? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, चाहे आप इन्हें फॉरवर्ड पढ़ें और चाहे आप इन्हें बैकवर्ड पढ़ें, इनके जो सीक्वेंसेस हैं वो सेम होते हैं। यही बात सीखनी है आपको। अब आपको दूसरी बात सीखनी है कि इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये जो एंजाइम्स है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडो क्या बेटा न्यूक्लिएज, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये बात सीखनी है आपको। ये देखिए रिस्ट्रिक्शन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लिएज, क्या इनका कोई नाम रखने की कोई टेक्निक है कैसे जो मन कहे फटाफट रख दे? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक नाम दिया गया है इकोआर फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं आपको इकोआर फर्स्ट का नॉमेनक्लेचर सिखाता हूं। अब इकोआर फर्स्ट में अगर आप देखें तो इसका जो फर्स्ट नेम है, जिसका फर्स्ट नेम है जो पहला नाम है वो ई है, ई है। ई का यहां पर मतलब है एस्चेराइचिया कोलाई से, मतलब ई जो है यहां पर ई का मतलब एस्चेराइचिया से है, एस्चेराइचिया से है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ई क्या है तो आप कहेंगे सर नेम ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ जीनस ऑफ बैक्टीरिया, जीनस ऑफ बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया से पाया गया है उसके उसके जीनस का नाम ई है, मतलब उसके नाम जीनस का नाम ई से शुरू होता है। इसलिए पहला नाम जो होता है, फर्स्ट नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे फर्स्ट नेम हमेशा किस लेटर से लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर आपको ये भी डाउट लग रहा है कैसे याद करें, सिंपल सी बात है यार, जब जीनस से लिखा जाता है तो जीनस का पहला शब्द किससे लिखा जाता है? कैपिटल लेटर से। और इसकी जब प्रिंटिंग होती है, जो प्रिंटिंग होती है वो हमेशा इटैलिक्स में होती है। ये देखिए इटैलिक्स में होती है। तो ये एस्चेराइचिया कोलाई बैक्टीरिया है जिसके ई से यहाँ पर ई शब्द आया है। ये देखिए अगर आप इसका सेकेंड और थर्ड नेम देखें, सेकेंड एंड थर्ड नेम देखें, दोनों सेकेंड एंड थर्ड देखें नेम देखें, सेकेंड एंड थर्ड नेम देखें, तो इसका सेकेंड और थर्ड नेम क्या है? सीओ है। तो अगर आप देखें तो सीओ का मतलब यहाँ पर कोलाई है। बोलिए हाँ, सेकेंड और थर्ड नेम को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने हैं, सेकेंड और थर्ड लेटर को हमेशा किस लेटर से लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं ये सीओ क्या है तो आप कहेंगे सर नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया से जहां से ये पाया गया है, जहां से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, उस बैक्टीरिया के ये स्पीसीज का नाम है। इसे भी जब प्रिंट करेंगे इसे इटैलिक्स पे प्रिंट करेंगे। ये देखिए ये दूसरी विधि, मतलब पहला नाम जीनस का है, दूसरा नाम दूसरा और तीसरा नाम स्पीसीज का है। अब आपको देखिए यहां पर लिखा है आर, लिखा है आर क्या है? आर को हमेशा कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। इसको हमेशा किस लेटर्स लिखते हैं? कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। ये आर जो है अगर आप देखें बेटा तो ये आर जो है, ये जो आर है इसे कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। इसे ये नेम ऑफ स्ट्रेन है, मतलब बैक्टीरिया के किस स्ट्रेन से ये पाया गया है। जैसे आर का मतलब यहाँ पर कौन सा स्ट्रेन है? एस्चेराइचिया कोलाई का। ये कौन सा स्ट्रेन है? ये रफ स्ट्रेन है। ये देखिए एस्चेराइचिया कोलाई का कौन सा स्ट्रेन है? रफ स्ट्रेन है। और यहाँ पर जो फर्स्ट है, वो जो फर्स्ट लिखा है ये हमेशा रोमन लेटर से लिखा जाता है। लास्ट नेम जो होता है ये हमेशा रोमन लेटर से एक्सप्लेन करते हैं, रोमन लेटर से। और अगर आप इसे देखें रोमन लेटर से तो ये ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन है, मतलब ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन को एक्सप्लेन करता है कि किस स्ट्रेन के किस ऑर्डर से आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये है नाम लिखने की पद्धति, एंजाइम्स की सिस्टम है। तो ई माने एस्चेराइचिया, सीओ माने कोलाई, आर माने रफ स्ट्रेन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन है, ऐसे लिखते हैं इंटरन्यूक्लिएज के नाम। तो अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा जिक्र, ये जो पूरा जिक्र है इसका पूरा जिक्र कहाँ पे लिखा है बेटा? एनसीईआरटी
जिंदाबाद, जय एनसीईआरटी। आप ऐसे ले सकते हैं कि सर इतनी बड़ी बात तो सिर्फ एक ही जगह लिखी जा सकती है, वो कौन सी जगह है? वो है एनसीईआरटी, जहाँ पर ऐसी इतनी बड़ी बात को हम लोग लिख सकते हैं, इतनी बड़ी बात को हम लोग लिख सकते हैं। तो कैपिटल लेटर और भी नाम देख लीजिए, जैसे अदर एग्जाम्पल्स देखें। तो अदर एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो अदर एग्जाम्पल्स में एक नाम है, जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा ये बैम यश फर्स्ट है, तो यहाँ बैम का मतलब क्या हुआ? यहाँ बैम का मतलब वैसिलस हुआ। बोलिए यहाँ एम का मतलब क्या हुआ? एम का मतलब हुआ एम्पलीफेसियंस हुआ, मतलब ये स्पेसीज है, एम्पलीफेसियंस हुआ। यहाँ यच का मतलब क्या हुआ? नेम ऑफ स्ट्रेन हुआ। ये देखिए, और यहाँ फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन हुआ। कौन सा हुआ बेटा? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन हुआ। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन हुआ। इस तरह से अगर आप देखें तो ऐसे लिखा जाता है एंजाइम का नाम। ऐसे एक नाम और देख लें, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आपके मन में और कोई प्रश्न हो, और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे यहां लिखा रहता है हिंद सेकंड, तो यहां मानी यशमानी क्या हुआ? हीमोफिलस क्या हुआ? जीनस। आयन मानी क्या हुआ? इन्फ्लुएंजी हुआ। डी क्या है? नेम ऑफ स्ट्रेन। सेकंड क्या है? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन। इस तरह से देखें लगभग 900 एंजाइम अभी तक खोजे जा चुके हैं बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से। अगर आपसे कभी कोई नॉमेनक्लेचर की बात करता है तो आप इसी तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, किसका? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का प्रूफ रीडिंग और अच्छे तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे, और आपको ये बात आनी चाहिए। अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, इसके सीक्वेंस को पढ़ा रहा था, तो उसमें आपने एक शब्द देखा था, स्टिकी इंड्स और ब्लंट इंड्स देखे थे। तो मेरा मन है मैं आपको स्टिकी इंड्स और ब्लंट इंड्स की भी जानकारी दे दूं, ताकि वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। अब आइए मैं आपको सिखाता हूं इंड्स क्या होते हैं। जब बायोटेक आप पढ़ते हैं तो जब आप उसका फिगर देखेंगे एनसीईआरटी में, तो आपको जब वो GEEE कट करके दिखाता तो वहां लिखा है, ऐसे ध्यान से देखेंगे तो स्टिकी इंड्स लिखा हुआ है। तो स्टिकी इंड्स मतलब क्या हुआ? सिंगल स्टैंडर्ड। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट लिखें भाई, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट्स ओवरहैंग टू ईच अदर। मतलब अगर आप ऐसे इसको देखें, ओवरहैंग टू ईच अदर, अगर इसी बात को मैं सीधे लिख दूं तो आपको आपको ये बात सीखनी चाहिए, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे ये देखें आप, मान लीजिए ये फाइव प्राइम है, आपने यहाँ लिखा GEEE लिखा, तो इधर आप पोलैरिटी क्या लिखेंगे? 3 प्राइम। इसका उल्टा अगर आप लिखें तो यहाँ पोलैरिटी लिखेंगे 3 प्राइम, इसका उधर लिखेंगे, इसका अगर उल्टा लिखना हो तो यहाँ आप लिखेंगे कौन सा प्राइम? 3 5 प्राइम, उल्टा लिखेंगे GEEE। ये देखिए, ये अगर डोनर डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें जब आप इकोआर फर्स्ट लगा दे हैं तो ये देखिए इकोआर फर्स्ट यहाँ पर सेक्शन काटता है। मान लीजिए ये डोनर डीएनए का कॉन्सेप्ट है, डोनर डीएनए मतलब जिससे हम लोग डीएनए ले रहे हैं वो डोनर डीएनए का ये कॉन्सेप्ट है, डोनर डीएनए का है। आपने एंजाइम कौन सा लगाया है? इकोआर फर्स्ट लगाया है। अगर आप इसी बात को दूसरी तरफ देखें कि भाई ये 3 प्राइम है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वही है GEEE कॉन्फ़िगरेशन 5 प्राइम हो गया, इधर देखिए GEEE और यहाँ क्या लिखा आपने? CCC, यहाँ पोलैरिटी क्या लिखा आपने? 5 प्राइम। ये पोलैरिटी है। आपने यहाँ पर भी एंजाइम लिखाया, कौन सा एंजाइम लगाया? इकोआर फर्स्ट। अगर मैं ऐसे सीधे सीधे लिख दूं, इन दोनों के ऊपर आपने इकोआर फर्स्ट का इस्तेमाल किया, तो अगर आपने इकोआर फर्स्ट का इस्तेमाल किया तो अब आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिख रहा है? अगर आप देखें इसके 5 प्राइम पे आपको केवल जी दिखाई पड़ेगा, इसके 5 प्राइम पे आपको केवल क्या दिखाई पड़ेगा? जी। मतलब ये पूरा निकल के बाहर हो गया, इस सेक्शन को हमने काट दिया, इसने कट कर दिया। लेकिन अगर आप इसके 3 प्राइम पे देखें तो 3 प्राइम को मिलेगा CEEE,
इसके इस ची वाले पॉइंट को कट कर दिया किस एंजाइम ने, एंजाइम का नाम क्या है, यहाँ पर डोनर हटा दें, एंजाइम का नाम लिखे सर, एक एंजाइम का नाम इकोआर फर्स्ट है। अब आपको इकोआर फर्स्ट को कैसे पढ़ेंगे, ई माने शिराजिया, सी ओ माने कोलाई, आर माने फर्स्ट, आर माने नंबर ऑफ स्ट्रेन, नेम ऑफ स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन, और फर्स्ट क्या है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन, तो ये जी हो गया। अगर आप इधर देखें तो इसके थ्री प्राइम पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर अगर आप फाइव प्राइम है तो इसके थ्री प्राइम के आगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जी कट जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा डबल ए डबल टी सी, ऐसे दिखाई पड़ेगा। और उल्टा अगर आप देखें तो इसके थ्री प्राइम पे आपको दिखाई पड़ेगा केवल एक बेस जी। तो ये जो इंट्स हैं, ये जो एक दूसरे को हैंग कर रहे हैं, ये जो इंट्स हैं, इन इंट्स को हम लोग स्टिकी इंट्स कहते हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड है और एक दूसरे के ऊपर ओवर हैंग कर रहे हैं। इन्हीं को बाद में कौन सा एंजाइम जोड़ता है, अगर आप इसमें डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल कर देते हैं तो दोनों सेगमेंट फिर से आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये स्टिकी इंट्स हो गया। दूसरा इंट जो होता है उसे हम लोग ब्लंट इंट्स कहते हैं, ब्लंट इंट्स कहते हैं या उसे हम लोग फ्लश इंट्स कहते हैं, चाहे आप ब्लंट इंट्स लिखें और चाहे आप इन्हें फ्लश इंट्स कहें, भाई देखो किसी ने पूछा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, सॉरी फ्लश में इसे ब्लश इंट लिखे, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। तो अगर आप ब्लंट इंट्स या फ्लश इंट्स देख रहे हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है ट्रिपल सी ट्रिपल जी, पोलैरिटी लिखिए थ्री प्राइम, इधर पोलैरिटी लिखिए फाइव प्राइम, उल्टा लिखिए ट्रिपल सी ट्रिपल जी, पोलैरिटी लिखिए ये थ्री प्राइम है तो इधर कौन सी प्राइम है फाइव प्राइम है। अगर आप देखें कोई एक एंजाइम है यहाँ पर जो सेक्शन काट दे दोनों तरफ से, तो इसको फाइनली आप कैसे देखेंगे, अगर आप फाइनली देखेंगे तो ये ट्रिपल सी हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये ट्रिपल जी हो जाएगा। तो ये जो इंट्स हैं इन इंट्स को ब्लंट इंट्स कहते हैं, कौन सा इंट्स कहते हैं ब्लंट इंट्स, ब्लंट इंट्स का कॉन्सेप्ट आप ऐसे अंगूठे समझ सकते हैं, अगर ये ऐसे आके जुड़ जा रहा है सीधा, अगर ये ऐसे आके बराबर से जुड़ रहा है तो इसे हम लोग ब्लंट इंट्स कहते हैं, जैसे ये अंगुलियां जुड़ रही इस तरह से, लेकिन अगर ये ऐसे जुड़ रहा है एक बड़ा इधर ये छोटा ये बड़ा और ये छोटा थी, ये स्टिकी इंट्स है, ऐसे बनते हैं दो तरह के इंट्स बायोटेक के इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पर जो एंजाइम है, अगर आपको एंजाइम सीखना है तो इस एंजाइम का नाम एस एम ए फर्स्ट है, कोई बैक्टीरिया होगा जिससे ये ऑब्टेन किया गया होगा। तो आपको दो तरह के इंट्स दिखाई पड़ेंगे बायोटेक में, एक ब्लंट इंट्स दिखाई पड़ेंगे और एक स्टिकी इंट्स दिखाई पड़ेंगे। इसके सिवा एक तो नाम आप और हैं जो सीख जाए, एक एंजाइम है जिसे हम लोग डीएनए लाइगेज कहते हैं, मान लीजिए अभी बार बार आएगा जिक्र करते हैं, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करता है, या इसे हम लोग जेनेटिक ग्लू कहते हैं। जेनेटिक ग्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। कभी कभी लोग मजाक भी कहते हैं यार आपका बिहेवियर तो लाइगेज जैसा है, बिहेवियर लाइगेज जैसा है मतलब क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति है वो दो लोग व्यक्तियों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है, समझ में नहीं। तो डीएनए लाइगेज है, अगर आप इसको यहाँ देख रहे हो, अगर आपको यहाँ समझना हो तो ये देखिए, ये हमारा डिजायर्ड जीन था, ये हमारा कौन सा जीन था, ये हमारा जीन था जिसे हम लोग डिजायर्ड जीन कह रहे थे, इसको हमने डीएनए से ऑपरेट किया था। यहाँ पर आप देखें ये प्लाज्मिड है जिसपे हमको इसको ले आके जोड़ना है, ये प्लाज्मिड है या इसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो जब आप इस पे कौन सा लगाते हैं, प्लाज्मिड कहें या इसी को लेते हैं वेक्टर कहते हैं, तो आप इस पे कौन सा एंजाइम लगाते हैं, आपने ही तो कहा था सर इस पे लगा दीजिए, कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज लगा दीजिए। जब आप डीएनए लाइगेज लगा देते हैं तो हालत क्या होती है, देखिए ये हमारा जो डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड है, इस डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड के साथ ये देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड के साथ ये आके जुड़ जाता है। इस डीएनए का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब अगर आप उसको लिखना हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इक्वल टू हुआ, सीधा ले सकते हैं प्लाज्मिड प्लस इंसर्ट। जैसे आप सिम को इंसर्ट करते हैं तो जिस चीज को आपने जोड़ दिया है उसको लेके प्लाज्मिड और नई जुड़ी हुई चीज को लेकर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो डीएनए लाइगेज है, इट रिजॉइंस या इट जॉइंस, ऐसे लिख सकते हैं इट जॉइंस डीएनए सेगमेंट। तो ये अगर आप समझें तो ये डीएनए के सेगमेंट को जोड़ता है, डीएनए के सेगमेंट को जोड़ता है
किस बॉन्ड को जोड़ता है? इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट फॉर्म्स कौन सा बॉन्ड? ये देख बेटा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता कौन है? रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस। जोड़ता कौन है? डीएनए लाइगेज। इसके सिवा कुछ छोटे छोटे चुटकुले टाइप के एंजाइम्स हैं जिनका मैं नाम आपको सब बता देता हूँ। जैसे ये नाम आपने पहले पढ़ा हुआ है, नाम क्या है पहले लिख देता हूँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम है। इस एंजाइम के द्वारा क्या होता है बताइए? सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको मेरे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वीडियोस देखेंगे इसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। ये सीधा सीधा पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कराता है, मतलब डीएनए की कॉपी बनाने में ये मदद करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए कराता है। ये देखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, ये बात आपको सीखनी है। दूसरा देखिए, एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसकी भी चर्चा होगी इस बायोटेक में। मैं आपको सारे एंजाइम सिखा देता हूं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम है बेटा जो आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। ये देखिए आरएनए से क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। तो अगर आरएनए से डीएनए कोई बनाने वाला एंजाइम है तो उस एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। एक एंजाइम और है, नाम सुन लीजिए कहीं काम देगा, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है? इट ब्रेक्स कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ डीएनए। इट ब्रेक्स कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ डीएनए। डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है। तो आज मैंने आपको ज्यादातर सारे एंजाइम्स के नाम बता दिए हैं। ज्यादातर एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जितने भी एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, लगभग मैंने सारे एंजाइम्स का नाम बता दिया है। एक एंजाइम जो पूछा जाता है वो है टैग पॉलीमरेज। मान लीजिए अभी इसका जिक्र करना ही है हमें, ये है टैग पॉलीमरेज। इसका पीसीआर में इस्तेमाल होता है। टैग पॉलीमरेज का पूरा नाम है थर्मस एक्वेटिकस यूज्ड इन पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब होता है हाई टेम्परेचर पे काम करने के लिए एलिजिबल है, थर्मस एक्वेटिकस से ये पाया जाता है, इसलिए इस पूरे एंजाइम का नाम है टैग पॉलीमरेज। तो इतना आपको सीखना है टूल्स में एंजाइम्स के रिस्पेक्ट में।